so called intellects, the so called buddhijivi intellects, undecisive intellects, the poor intellects, जिनके जीवन में निर्णय नहीं है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, निर्णय करने की क्षमता नहीं है ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, शाश्वत क्या, नश्वर क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, न्याय क्या, अन्याय क्या, दुख क्या, आनंद क्या, इसका निर्णय भी नहीं कर सकते। और आई एम इंटेलेक्चुअल, तो पानी पड़े तुम्हारे इंटेलेक्ट पे, आग लगे तुम्हारे इंटेलेक्ट पे। उससे बढ़िया है तो हम गोकुल के गोपाल के साथ रहने वाले उनके गंवार मित्र ही ठीक हैं, गोकुल के वो गैया चराने वाले ही मौज में है, तुम्हारे इंटेलेक्ट किसी काम की नहीं है। इतना ज्यादा बुद्धि हो गया आइंस्टाइन के पास कि बेचारा अगली बार भगवान को बोला कि प्लंबर के रूप में जन्म देना, पाइप वाइप फिट करके अपनी जिंदगी निकाल ले। पढ़ाए पढ़े हो कि नहीं जीवनी आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा कि मेरी बुद्धि ही मेरे जीवन का काल बन गई, अगर अगली बार अगला जन्म होता हो सनातन धर्म के अनुसार और मेरा धर्म हो तो मुझे कहीं साधारण कोई प्लंबर बना देना, झाड़ू लगाने वाला बना देना, कम से कम जिंदगी तो आनंद से जी पाऊंगा। ये बुद्धि तो हमारे जीवन में बर्बाद करके हमको रख दी, टेंशन में डाल दी हमको। क्या करोगे इतनी बुद्धि, अब ज्यादा नहीं चाहिए बुद्धि, अब चाहिए तुमको संस्कारों की शुद्धि। तुम्हारे संस्कारों की शुद्धि अगर तुमको मिल जाए तो इतनी बुद्धि काफी है, इससे ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। और इस मंच के माध्यम से दुनिया वालों को भी ये कहूंगा और भारतीयों को कहूंगा, इन्वेंशन बंद कर दो, यंत्रों का निर्माण बंद कर दो, अब किसी नए चीज की जरूरत नहीं है, जितनी है पहले उसको यूज करना सीख जाओ। अगर वो सीख जाओगे तो तुम्हारे भीतर में बाजारवाद और भोगवाद की जो आग लगी हुई है, अभी 3 महीने पहले एक फोन लेकर के उस फोन से बात करते हो और किसी एक व्यक्ति ने जाकर के दूसरा मॉडल खरीद लिया तो अपने माँ बाप के अवस्था को भी नहीं देखते, जाकर घर में कहते हो मुझे भी यही मॉडल चाहिए, मार दो माँ बाप को, समाप्त कर दो उनको, मत जीने दो उनको, तुमको जन्म दे करके जो अपराध किया है उसकी सजा दे दो उनको। कैसे बालक हो, कैसे बच्चे हो, तुम्हारे मां बाप तुम्हारे लिए क्या नहीं करते, और तुम छोटे छोटे मॉडलों के लिए, कपड़ों के लिए बार बार उनको कुछ ना कुछ परेशान किए रहते, वो उधार लेते कर्ज लेते हैं, लोगों की निंदा सुनते हैं, उधार देने वाले उनको गालियां देते हैं, उनकी अप्रतिष्ठा होती है, उनकी प्रतिष्ठा समाज में कम होती है। तुम कैसे संतान हो जो अपने माँ बाप को जीते जी ऐसे बेइज्जत की जिंदगी में धकेलने के काम आते हो। अरे बेटे बेटी हो तो माँ बाप के गौरव होने का कारण बनो ना, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर गौरव करें, तुम्हारे ऊपर अभिमान करें, ऐसा बनो। ये मॉडलों के खेल से ऊपर उठो, ये मॉडल कुछ नहीं बनाएंगे, ये मॉडल तुम्हारे मॉडल बिगाड़ देंगे जिंदगी के। मॉडल ला रहे, मॉडल एक से एक मॉडल, आईफोन 14, 13, 15, 18, 19, 0 बटा 0 फोन का काम है एक जगह से दूसरे जगह सही न्यूज को देना, बस। आपको पता है, हाँ, श्याम नगर नागपुर में गुरुदेव भगवान के 7 दिन की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ट्रिन ट्रिन, हेलो राधे राधे, इसके लिए बनाए फोन।
तुम क्या करते हो इसका, इस फोन के क्या उपयोग है तुम्हारे पास? 50 मंथराओं के साथ दोस्ती करके बैठे हो, 25 के बार बार व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, अब 12 के फोन आते हैं। अरे एक मंथरा तो राम राज्य को बिगाड़ दी, दशरथ को मार दी, भगवान भगाए दी, और भरत जैसे साधु को गड्ढे में रहने के लिए 14 साल मजबूर कर दी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही मंथरा काफी है, और जिनके मित्रों में मंथराओं की संख्या ही ज्यादा है, उस आदमी का अंजाम क्या होगा, क्या होगा उसकी जिंदगी का? मंथरा का अर्थ जिसकी बुद्धि थिर नहीं है, जिसका मन थिर नहीं है, या एक अर्थ और, जिसका विवेक मंथर है, मंथर मंद बुद्धि है, जो मंद बुद्धि। ऐसा नहीं कि मंथरा कोई लेडीज है, मंथरा कोई माताई है, मंथरा कोई हमारे नारी है, मंथरा बुद्धि है वो स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। और मैं तो सबसे बड़ा मंथरा अपने मन को ही मानता हूं, मैं और मेरा मन मंथरा नंबर वन। ये मन ही तो तुम्हें इतना बंधन में रखा है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव, मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मन ही मनुष्य के स्वतंत्रता की भी कारण है। मन अगर जगत में चला गया तो बंधन हो गया, मन अगर मनमोहन को चला गया तो जीवन में स्वतंत्रता आ गई, जीवन में आनंद आ गया। चाबी वही होती है, बाईं तरफ कर दो बंद हो जाए, दाहिनी तरफ कर दो खुल जाए, चाबी एक ही है, चाहो तो बंद कर दो, चाहो तो खोल दो। मन भी वही चाबी है।